कांग्रेस राजस्थान के बचे नामों का अब कभी भी ऐलान कर सकती है। दिल्ली में AICC मुख्यालय में CEC की बैठक प्रस्तावित है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार जयपुर ग्रामीण को लेकर सचिन पायलट और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच टकराव है। पायलट अपने समर्थक अनिल चोपड़ा के लिए पैरवी कर रहे हैं, जबकि डोटासरा चोपड़ा के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। जबकि दौसा सीट को लेकर भी पायलट कैंप काफी मुखर है। दौसा पायलट फैमिली का गढ़ है, इसलिए पायलट अपने समर्थक विधायक मुरारी लाल मीणा के लिए पैरवी कर रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा टीकाराम मीणा और प्रभुदयाल की पैरवी कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 15 सीटों पर नहीं किए हैं। ऐसे में आज की मीटिंग में नाम फाइनल होने की पूरी संभावना है। उल्लेखनीय है कि कुल 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। इन 10 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को रिपीट नहीं किया है, यानी सभी सीटों पर नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। नए प्रत्याशियों में भी राहुल कस्वा के अलावा ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं लग रहा है जो BJP के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर दे सके। कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारकर BJP प्रत्याशियों को टक्कर देने की कोशिश की है। मौजूदा विधायकों में पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र ओला, ललित यादव और हरीश मीणा हैं। उदयलाल आंजना, गोविंद राम मेघवाल भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हों, लेकिन गत विधानसभा चुनाव में दोनों हार का सामना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी पिछली बार जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। इस बार उन्हें जालौर से प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट को देखने के बाद कई नेता जमीन पर एक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली से टिकट भले ही किसी को दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना है, जिससे आगे की स्थिति साफ होगी। जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, दौसा और सीकर लोकसभा सीट पर नाम तय कर लिए गए हैं। सीकर में डोटासरा की पसंद को ही टिकट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।